मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को बताने में कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। आज हम 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए मैंने आज आपके मुंह मीठा कराने के लिए नारियल की खीर बनाई है, आप सभी को ये ज़रूर पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है साथ घर का में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम चावल को धो के ऐड कर लेते हैं। ये 1 गिलास चावल है। अगर आप मेजरमेंट कप से नाप रहे हो तो 1 कप चावल ले लेंगे, उसे अच्छे से धोकर इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 3 कप यानी कि मेजरमेंट का इससे 3 कप और ग्लास से अगर नापो तो 3 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। अब कुकर को बंद कर लेंगे और इसमें हम 3 सीटी आने का वेट कर लेंगे। 3 सीटी आने तक के हम नारियल को घस लेंगे, क्योंकि हम नारियल की खीर बना रहे हैं। तो नारियल को घसने के लिए मैंने यहाँ 2 नारियल को फोड़ लिया है। अब इसे हम इस तरीके से घस लेते हैं। आपके पास अगर ग्रेटर हो तो आप उससे ग्रेट कर लीजिए। हमें इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, जिससे कि इसका पूरा रस निकल जाएगा, इसीलिए हम इसे ग्रेट करेंगे, या तो फिर इसे हम इस तरह से घस लेंगे, जिससे कि इसका काला भाग जो होता है नारियल का वो इसमें आना नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेद भाग जो है उतना ही हम इसमें लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों नारियल को घस लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों नारियल को घस लिया है। इससे अगर मोटा भी निकलता है नारियल घस के तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हम जब नारियल की खीर बना रहे हैं तो नारियल जब मुंह में पड़ेगा तो उसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। यहाँ पे हमारे कुकर में 3 सीटी लग गई है। अब कुकर को हम खोल लेते हैं। चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं और नरम हो गए हैं, हमारा पानी बराबर हो गया है। अब इसे हम मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमने चावल को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 लीटर दूध ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध को ऐड कर लेते हैं। अब चम्मच से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा चावल की गांठ पड़ी हुई है, जो चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है। इसके लिए हम मैशर लेंगे और मैशर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने दूध और चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बचा हुआ जो 1 लीटर दूध है उसे भी ऐड कर लेंगे। अब चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हम गाढ़ा होने तक के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप से 1.5 कप शक्कर लिए है। अगर आप ग्लास से नाप रहे हो तो आप 1.5 गिलास शक्कर ले लीजिए। जिस ग्लास से आपने चावल को नापा था उसी ग्लास से आप शक्कर भी नाप लीजिए। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 3 से 4 इलायची को कूट लिया है, उसे ऐड कर लेंगे। अब इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट तक के अच्छे से पका लेते हैं, जिससे कि शक्कर भी घुल जाएगा और जो हमने इलायची डाली है वो भी अच्छे से पक जाएगी और उसकी खुशबू आने लगेगी। यहाँ पे हमने इसे 5 से 7 मिनट तक के अच्छे से पका लिया है। शक्कर डालने से हमारी खीर थोड़ी पतली हो गई है। अब हम नारियल ऐड कर लेंगे, जो हमने घस के रखा था। नारियल डालने से ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम 1/2 कटोरी किशमिश ऐड कर लेंगे और लगभग 1 कटोरी काजू ऐड कर लेते हैं। अब इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं।
इसे हम 4-5 मिनट तक के अच्छे से और पकने देंगे। हमने इसे 4 से 5 मिनट तक के अच्छे से पका लिया है। अब हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। आपको जितनी गाढ़ी खीर चाहिए उतने देर तक के आप इसे पका लीजिए। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। और मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच।